हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश. दिस इज़ योर इंग्लिश हैंड राइटिंग बुक. ओपन योर बुक. आज हम पढ़ेंगे आर. टुडेज टॉपिक इज़ आर. आर फॉर, यहाँ पर हम देखेंगे आर फॉर कितने सारे वर्ड्स हैं. तो चलिए हम पहले इसको सबको पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे हम लिखेंगे. ओके, फर्स्ट पिक्चर, आर फॉर रेड. नेक्स्ट, आर फॉर रोज. आर फॉर रिमोट. आर फॉर रिबन. आर फॉर रॉड. आर फॉर रॉबिन. आर फॉर रिंग. आर फॉर रेड. आर फॉर रेनबो. आर फॉर रैबिट. आर फॉर रेन. इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. कितने सारे वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 वर्ड्स आपको यहाँ पर आर फॉर, आपने देखा 11 वर्ड्स हैं. इसकी मीनिंग हम देखेंगे, कौन कौन से मीनिंग हैं. आर फॉर रेड, आप सभी को पता है रेड मीन्स चूहा. रोज मीन्स गुलाब, जो कि एक फ्लावर है. आर फॉर रिमोट, रिमोट हर किसी का भी होता है, किसी भी, चाहे वो टेलीविज़न हो, मीन्स टीवी हो, एसी हो, या फिर जो है कोई भी आपका खिलौना टॉय हो, तो हर एक का अलग अलग रिमोट होता है. आर फॉर रिमोट होता है. एंड आर फॉर रिबन, रिबन भी कई तरह के होते हैं. एक बाल में लगाने वाला रिबन होता है जिसको लेस भी बोलते हैं, और एक रिबन होता है जब कहीं आप देखेंगे किसी भी पार्टी में, समारोह में आप देखते होंगे तो वहाँ एक रिबन लगा होता है, फीते के जैसा रहता है वो रिबन. ठीक है, आर फॉर रिबन. एंड नेक्स्ट देखेंगे आर फॉर रिंग, मीन्स आप पिक्चर देखकर ही समझ गए होंगे, अंगूठी. रिंग मीन्स अंगूठी. आर फॉर रेड मीन्स रेड, ये रेड कलर बोला गया है, रेड मीन्स लाल. नेक्स्ट, आर फॉर रॉड. रॉड ये क्या होता है? रॉड मीन्स छड़, छड़ी भी बोल सकते हैं, जो लोहे का छड़ होता है इसको भी रॉड बोलते हैं. ओके, आर फॉर रॉबिन, ये एक बर्ड है, इसका नाम है रॉबिन. एंड नेक्स्ट, आर फॉर रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. जब बारिश का टाइम होता है, बारिश के मौसम में ये आसमान में देखने को मिलते हैं कभी कभी रेनबो. लास्ट पिक्चर इज आर फॉर रेन मीन्स बारिश. एंड वन मोर, दिस इज लास्ट, रैबिट मीन्स खरगोश. इतने सारे वर्ड्स हमने पढ़े आर फॉर, कितने सारे वर्ड्स होते हैं, तो इन सबको आपको पढ़ना है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे. आर फॉर हमको लिखना भी है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46. यहाँ पर आप देखेंगे आर फॉर रैबिट बना हुआ है, और इसको क्या करना है, ट्रेस एंड राइट. सबसे पहले आपको ट्रेस करना है, ये सारे डॉट डॉट पॉइंट पॉइंट रखे गए हैं, इसको आपको दोहराना है, बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर आपको दोहराना है. और दोहराने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस पूरे को लिखना है यहाँ लास्ट लाइन तक. ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड राइट प्रॉपरली, एकदम प्रॉपर लाइन में आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लास वर्क और ये आपका होमवर्क है, जो आपको लिखना है ये आपका होमवर्क है. ओके, तो ये आपको अच्छे से क्लास वर्क और होमवर्क समझ में आया होगा. कीप सेफ, बाय बाय, थैंक यू.